नमस्कार, आज हम डॉक्टर स्पेक्ट्रा में कृष्णकांत श्रीवास्तव जी का ऑडियो फीडबैक शेयर करने जा रहे हैं, जो कि 50 इयर्स के हैं और पूना महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इनको टिनाइटिस का प्रॉब्लम पिछले 8 साल से था, जिसकी वजह से इन्हें चक्कर आते थे, चिड़चिड़ापन होता था, सर में भारीपन होता था, ध्यान लगाने में मुश्किल होती थी और सुनने में भी मुश्किल होती थी। इन्होंने हमसे ट्रीटमेंट लिया। अब हमसे ट्रीटमेंट लेने के बाद ये 80% आराम है और इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है। आइए इनका ऑडियो फीडबैक बहुत ध्यान से सुनते हैं और टिनाइटिस का जर्नी जानते हैं। हाँ जी सर, कृष्णकांत जी, थैंक यू सो मच सर अपना ऑडियो फीडबैक देने के लिए। सर, आप प्लीज बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपको कब से टिनाइटिस का प्रॉब्लम है? मैं पुणे से हूँ। ओके सर, मुझे करीब करीब 8 साल से टिनाइटिस का प्रॉब्लम है। ओके सर, एंड सर आपकी एज कितनी है? लगभग 50 साल। ओके सर, आपको सर ये टिनाइटिस का प्रॉब्लम कैसे शुरू हुआ और आपने कहाँ कहाँ दिखाया इसके लिए? 8 साल पहले अचानक शुरू हुआ और साथ में चक्कर भी आ रहा था और मैंने हॉस्पिटल में एलोपैथी होम्योपैथी सब चेक कराया और करीब 1.5 साल पहले मैं डॉक्टर स्पेक्ट्रा मुंबई में आया। वहाँ से ये अपना इंस्ट्रूमेंट लिया और 1.5 साल से इसका यूज कर रहा हूँ। तो अभी मुझे 80% तक करीब आ रहा। ओके सर, सर आप थोड़ा सा बताएंगे आपको आवाज के साथ और क्या क्या प्रॉब्लम होती थी? मुझे बैलेंसिंग का प्रॉब्लम होता था, वर्टिगो का प्रॉब्लम होता था, चक्कर। ओके सर, तो ये प्रॉब्लम। ओके सर, सर जैसे आपको अभी 80% आराम है सर, आपके जैसे सर बहुत सारे पेशेंट हैं, आप उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई, आपने कहाँ कहाँ दिखाया और वहाँ से आपको क्या फीडबैक मिला? 8 साल पहले जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई तो मैंने सबसे पहले एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया, तो दवा से थोड़ा तो आराम होता था लेकिन बाद में फिर से बढ़ जाता था, काफी परेशानी होती थी। बाद में होम्योपैथी भी दिखाया, दवा से तो आराम मिलता था लेकिन वो टेम्परेरी आराम रहता था। फिर 1.5 साल पहले करीब डॉक्टर स्पेक्ट्रा का इंस्ट्रूमेंट यूज शुरू किया और उससे भी अप डाउन करते करते धीरे धीरे आराम मिलने लगा। और आज करीब 80% तक मैं काम। ओके सर, सर जब आपने ट्रीटमेंट शुरू किया था तो आपको किन चीजों में पहले आराम आना शुरू हुआ था? टिनिटस में आराम होता था तो साथ में वर्टिगो का भी आराम होता था, तो क्योंकि एक दूसरे से मुझे लगता है ये लिंक होते हैं। हाँ जी। तो ये मशीन का यूज करने से मुझे टिनिटस में जब आराम शुरू हुआ तो ऑटोमेटिक वो वर्टिगो में आराम हुआ, जिससे थोड़ी थोड़ी लाइट पटरी पे आती दिख रही। ओके सर, सर जैसे आप पुणे से बिलोंग करते हैं सर एंड आपको ये टिनाइटिस का प्रॉब्लम था सर, सो कोई मैसेज देना चाहेंगे आप पेशेंट्स को? एनी सजेशंस फॉर देम कि वो क्या कर सकते हैं? यही कि आप ये स्पेक्ट्रा का इंस्ट्रूमेंट यूज करिए और पेशेंस बहुत जरूरी है, रातों रात आराम नहीं होगा, काफी दिन तक इसको यूज करना पड़ेगा, कभी ज्यादा आराम लगेगा कभी कम आराम लगेगा, लेकिन एक दिन आएगा कि काफी आराम महसूस करेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर लास्ट चीज, क्या मैं आपका ऑडियो फीडबैक अपने यूट्यूब चैनल पे डाल सकती हूँ बाकी पेशेंट्स को अवेयरनेस देने के लिए? हाँ हाँ डाल। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके।